जो हम लोगों का शराबबंदी लागू हुआ है, तो इसमें कितने लोग इस सिलसिले में बंद हैं? पूरे बिहार में 8,123 लोग जेल में। क्या कहता 1,00,000 बंद है? हम तो बता रहे हैं कि नहीं नहीं गलत है, कम बोल रहे हैं। 1,27,489 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी कितने लोग बंद हैं? अभी जेल में कितने हैं? 8,123। क्या क्या हंगामा किया जा रहा है? गरीब गुरबा जेल के अंदर बंद है, शराबबंदी लागू है, जेल में बंद है, कैसी बात? लोगों को थोड़ी भी कैसी भावना है मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी तो कितना जबरदस्त हमारे सुभानी साहब ने शेर सुनाया, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सके। एक बात हमारे अधिकारी ये कह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर अपने बैच के टॉपर आईएएस में थे, ये आदमी ये शेर सुना रहा है। आ कुछ लोग अपने को जो बड़ा भारी भारी नेता बोलते हैं, अपना गलतिये से हम किसी को पहुंचा दिए कहां से कहां, क्या भाषण क्या भाषण, आश्चर्य लगता है कभी कभी। आप पता नहीं मेरे लिए तो है ही, हम ऐसे ही किसी को अंदर से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बाहरी तौर पर देखते रहते हैं, हमको सब पर भरोसा रहता है, बना देते बातें पता चलता है गरीब तो पर। गजब चीज है भाई। तो बाद में पार्टी का लोग हमको बांध करके कहता है, हंस के मेरा मजाक उड़ाता है, आप हमेशा फालतू निर्णय लेते रहते हैं। आदमी को चीनने के बारे में, पहचानने के बारे में, नीतियों के बारे में कभी कोई नहीं कहता है कि गलत लेते हैं। तो साहब कैसा कैसा है, कैसी कैसी बात की जा रही है। और अभी यहां पर लगा हुआ है जो बाहर आपका एग्जीबिशन नुमा है, आप देख लीजिए उसको जाकर के। हम अभी घूम रहे थे तो उसमें गांधी जी का तो बहुत कोटेशन हमने पहले कोट किया है, जो बापू कहा करते थे, आज जबरदस्त कोटेशन है। अ स्नेक कैन ओनली डिस्ट्रॉय द बॉडी, अ स्नेक कैन ओनली डिस्ट्रॉय द बॉडी, बट द कर्स ऑफ ड्रिंक कोरप्ट्स द सोल विद इन, बट द कर्स ऑफ ड्रिंक कोरप्ट्स द सोल विद इन। सांप केवल शरीर को विनष्ट करता है, लेकिन शराब का दुष्प्रभाव कुप्रभाव अंदर की आत्मा को ही भ्रष्ट कर देता है। तो बड़ा सही बात है गांधी जी का, आज तो हम कोटेशन देख करके कहीं तो बड़ा जबरदस्त है, अब तक जितना कोट कर रहे थे उससे तो सबसे जबरदस्त है। सांप तो आपके शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन शराब आपके अंदर की आत्मा को ही भ्रष्ट कर देगा। अब यही देख रहे हैं आजकल, इतना बड़ा सामाजिक अभियान चला जिसकी आत्मा अंदर से अगर ऐसी नहीं जो गांधी जी कह रहे हैं वो ऐसी नहीं होगी, तो भला बताइए शराबबंदी के तो पक्ष में पूरा जनमत है, चंद लोगों को छोड़कर। और हां चंद भाई कुछ लोग हैं, सब नहीं, चंद पढ़े लिखे अमीर उमराव लोग, सभी नहीं, पढ़े लिखे लोग भी इसके पक्ष में बहुत लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, अमीर उमराओं भी इसके पक्ष में बहुत होंगे, लेकिन चंद, उनमें भी चंद पढ़े लिखे अमीर उमराओं लोग शराब पीने को अपनी आजादी से जोड़ते हैं, अपनी लिबर्टी से जोड़ते हैं। वो लोग हम पर खफा रहते हैं, उनको मालूम बड़ा खफा रहते हैं, हम कोई काम करेंगे तो दूसरे तरह से उसको इंटरप्रेट करते रहते हैं, लेकिन खैर मुझको कोई एतराज नहीं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि इससे अपने आप को उबारिए और गांधी जी के इस कोटेशन को समझिए, अ स्नेक कैन ओनली डिस्ट्रॉय योर बॉडी बट द कर्स ऑफ ड्रिंक कोरप्ट्स द सोल विद इन। इस गांधी जी के वचन से कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझने की कोशिश करिए। और लिबर्टी नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला है, ये लिबर्टी नहीं है। और राज्य सरकार को अधिकार है शराबबंदी लागू करना, और हम लोग तो अब शराबबंदी को नशा मुक्ति की ओर ले जाए, और यह सब काम करते रहेंगे चाहे जिसको जितना देना है बोले, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन आज
5 अप्रैल को पूर्ण नशाबंदी पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो मैंने उचित समझा कि कुछ फिगर्स भी आपको बता दें और जरा गांधी जी का तो जबरदस्त कोट है साहब, अभी तो मेरे दिल में पहुंच गया। ये मामूली चीज है, आत्मा को ही भ्रष्ट कर देता है, तो ये साधारण चीज नहीं है।